है? यस पक्का। देखिए अमल वापस से कंफर्म करने भी जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू रिधि खोरावास ब्लॉग। बहुत अच्छी मॉर्निंग हो गई है और सब कुछ काम करके ना फ्री होकर ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी 12 बजने में 5 मिनट का टाइम बाकी है, तो 5 मिनट में आफ्टरनून हो जाएगी और आज ना जल्दी जल्दी से काम करना है, बिकॉज अगले ब्लॉग में मैंने जैसा कि बताया था कि हम लोग फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं बाहर। वैसे जाने तो वाले हैं 3 दिन के लिए ही, कोई बड़ी ट्रिप नहीं की है प्लान, बट 3 दिन भी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अब मुझे बनाना है दोपहर का लंच एंड उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम, क्योंकि 3 दिन घर पे नहीं होंगे ना, तो सब कुछ प्लांट्स को भी अच्छी तरह से पानी ये वो देख के जाना पड़ेगा, सब काम एक्स्ट्रा होता है वो संभाल के जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि वो फटाफट से सब फिनिश कर लेती हूँ, साथ साथ मैं लंच भी बना लेती हूँ और फिर करूंगी पैकिंग। और आज रात को हमें निकलना है, बाय ट्रेन जाने वाले हैं हम लोग। सो आगे आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। लंच बन के रेडी हो गया है और हेमल का वेट कर रही हूँ। वैसे अभी 1:30 का ही टाइम हुआ है, जल्दी जल्दी से लंच बना लिया है और हेमल ना 3-4 दिन का काम फिनिश करके आने वाले हैं, तो वो फिनिश करेंगे तो लेट हो ही जाएगा, मुझे पक्का वाला पता है। और आज ना मैंने एकदम से काठियावाड़ी खाना बनाया है, बिकॉज घर से कहीं बाहर जाते हो ना 3-4 दिन, तो बाहर का खाना इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। बोले अलग अलग सब डिशेज हम लोग टेस्ट करते हैं, वो खाने का मजा आता है, बट क्या है ना कि जो दोपहर का लंच होता है ना वो घर का खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज एकदम से काठियावाड़ी प्योर खाना बनाया है, जैसे कि हमारे काठियावाड़ में सबसे ज्यादा फेमस होता है खिचड़ी एंड कढ़ी। कढ़ी खिचड़ी, बाजरी का रोटला, बैंगन का भरता और साथ में मैंने ना पकौड़ी बनाई है, प्याज की पकौड़ी। तो सब कुछ बनाने में थोड़ा लेट तो हो गया, बट मैंने सोचा कि चलो आज ही हम लोगों को रात को निकलना है ना, तो दोपहर को अच्छी तरह से लंच करके ही जाएंगे, फिर रात को जल्दी जल्दी भागा दौड़ी होगी क्योंकि 10 बजे तो हमें ऑलमोस्ट निकलना है। इसलिए अच्छा वाला खाना बना दिया है, साथ में कर्ड बटर मिल्क होता है, सो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। जो लोग काठियावाड़ में रहते हैं उसे तो पता ही है कि कितना यम्मी एंड टेस्टी होता है। और वो जो बैंगन का भरता हमारे यहाँ पे कहते हैं उसे ओड़ो एंड रोटलो, तो ओड़ो और रोटलो सर्दियों में खाने में इतना ज्यादा मजा आता है ना, सब लोग बैंगन का भरता बहुत ज्यादा हमारे साइड बनाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, टेस्टफुल, स्पाइसी सा, उसमें भी हरी हरी मिर्च को फ्राई किया हो साथ में तो सुपर टेस्टफुल खाना हो जाता है। सो आप लोग भी एक बार गुजरात आए और काठियावाड़ साइड आए ना, हमारे पोरबंदर साइड, तो जरूर से ये हर एक ढाबे में मिलता ही है ये खाना, तो जरूर से टेस्ट कीजिएगा। चलिए अभी फिलहाल मैं पहले फटाफट से दिखा देती हूँ कि आज का मेनू मैंने बोल तो दिया, अब दिखा देती हूँ। तो हेमल आए ना तब तक हमें सीधा लंच करने का ही रहे और साथ साथ में ना मुझे पैकिंग की भी तैयारियां करनी है, तो वो भी कर लेती हूँ। लंच की प्लेट एकदम से रेडी हो गई है, हेमल गए हैं हैंड वॉश करने के लिए, तब तक फटाफट से दिखा देती हूँ आज का मेनू। वैसे बता तो मैंने दिया है कि क्या क्या काठियावाड़ी खाना बनाया है, तो यहाँ पे एकदम से प्लेट मेरी गरम गरम सी रेडी ही है। सो सबसे पहले है यहाँ पे गरम गरम सी खिचड़ी और इसके साथ खाएंगे हेमल कढ़ी। कढ़ी यानी खिचड़ी यानी बाजरी नो रोटलो, हमारे काठियावाड़ का खाना होता है। बाजरी के रोटले के साथ यहाँ पे बैंगन के भरते की सब्जी बनाई है और साथ में मैंने आज पकौड़िया बनाई है, जो की ऑनियन की पकौड़िया बनाई है। यहाँ पे है चटनी, तो आज की कुछ इस तरह से प्लेट है, साथ में है मक्खन वाला कर्ड एंड बटर मिल्क। इतना यमी यमी सा खाना देख के ना वो जल्दी एकदम से ज्यादा भूख लगी है, अब जल्दी हेमल आए और हम लोग खाना खा ले। A few moments later. So, अभी बहुत अच्छी इवनिंग हो गई है और सीधा रेडी होके ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी रात के देखिये 10:10 हो गई है, वैसे 10 नहीं बजे है, अभी बजे है 10:30, देखिये 9:30 ही बजे है। और बैग पे एकदम से रेडी हो गए हैं पैक होके और सब लोग रेडी ही है और अमन भी आ गया है रेडी होके। क्या लेके आए हो? मंचूरियन लेके आया। वाह क्या सीन है, ये मंचूरियन लेके आया, बिकॉज ट्रेन में ये मंचूरियन खाएगा। क्यों? मुझे भी खिलाना, ठीक है? नहीं मेरे लिए ऐसा हम दोनों खाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने आधा अधूरा लंच कर लिया, सॉरी डिनर कर लिया है, आधा लेके जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और पार्थ कहाँ गया? वो घर पे, घर पे गया। ओके, वो पार्थ भी, अमन और पार्थ थोड़ा काम था इसलिए गए थे। अभी फुल फैमिली के साथ हम लोग ट्रिप पे निकल नहीं वाले हैं, कहाँ पे जाने वाले हैं वो तो आगे आगे पता चलेगा। चले तो सब कुछ रेडी है, अभी थोड़ी ही देर में थोड़ा रेडी होना, थोड़ा काम करना सब बाकी है, तो ऐसे ऐसे सब कुछ चल रहा है। फटाफट से अभी सब काम फिनिश करके निकलते हैं हम लोग। चलिए अभी घर से निकल गए हैं और सीधा यहाँ पे आ गए हैं दीपिका भाभी के घर पे और कोमल भाभी मुझे लेने आए थे। जय श्री कृष्ण कोमल भाभी। हाय जय श्री कृष्ण।
और बच्चे देखे ऑटो में बैठ भी गए हैं और सामान भी रख दिया है। जल्दी जल्दी वॉक करके आए, फटाफट से चलते हैं हम लोग सीधा रेलवे स्टेशन पे। अभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं, बट यहाँ पे देखिए पूरा न्यू बन रहा है हमारा रेलवे स्टेशन, तो रिनोवेशन का काम स्टार्ट है। इस गेट से जाना है ट्रेन, ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे आ गई है। फटाफट से चलिए चलते हैं, और हेमल पता नहीं कहाँ पे रह गए। चलिए भागो जल्दी, सब भागेंगे। देखिए अभी पहले घर पे बैठे थे, अभी दौड़ेंगे। आना है आप लोगों को बाइक, चलिए भागते हैं। कौन सा ये है? यस पक्का। देखिए हेमल वापस से कंफर्म करने भी जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। अभी हम लोग सब लोग यहाँ पे ट्रेन में आके बैठ भी गए हैं, बिकॉज प्लेटफॉर्म पे ट्रेन कब की आ गई थी। और देखिए हमारे सारी की सारी सीटें हैं, और बच्चे देखिए वहाँ ऊपर रेडी फॉर एक्साइटेड जाने के लिए, क्योंकि कब से जाना था, जाना था फाइनल जा रहे हैं। क्या अभी खाना भी नहीं, एक को भूख लगी, एक को पानी पीना है, ऐसा सब कुछ चल रहा है। अभी तेजस भाई वहाँ पे दीपिका अभी हड़ार कर रही थी कि चलो चलो। किसी को मालूम नहीं पड़ा। चलिए फाइनली पोरबंदर को बाय बाय बोल के अभी तीन चार दिन घूम के आएंगे, बट कहाँ पे वो वहाँ जाके पता चलेगा। अभी हम लोग ट्रेन में भी फोटो सेशन कर रहे थे, बिकॉज हम जहाँ भी जाए हमारा सबसे पहला फोटो सेशन होता है, तो फोटो क्लिक किए, फोटो हम लोगों ने लिया भी है थोड़ा बहुत। क्यों दृष्टि खाई? मंचूरियन क्या खाया? मंचूरियन, ममला बटेटा, मुरमुरे और देखो आलू। देखो सब लोग, कोई है ही नहीं, हम वेट करते हैं ना वैसाया पर कोई है नहीं। कोई नहीं है, सुनसान रास्ता है, बाघ आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, ट्रेन में नहीं आता। वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। देखो क्या खाए वो पहले बता देते हो। मंचूरियन, मुरमुरे और आलू, और फिर वेफर पोटैटो। अच्छी कौन सी फ्लेवर? और फिर राइस थोड़ा, दो चम्मच, दो चम्मच, दो स्पून, और फिर थोड़ा पानी। और फिर अभी यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे थे, और अभी यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हो, और अभी जो सवाल पूछ रहे हो उसका मैं सवाल दे रही हूँ। सवाल का सवाल, अभी कोई सवाल? सब लोगों का स्लीपिंग टाइम हो गया है, तो सब लोग सो जाएंगे सुबह। सब लोग जल्दी जल्दी से उठ के अब स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। देखिए कोमल भाभी वहाँ पार, दृष्टि तो सो भी गई, अमन गेम खेल रहा है, हेमल अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे सुखे। अभी मैं जाऊंगी, मेरी सीट यहाँ ऊपर वाली है, कोमल भाभी वो देखो वहाँ ऊपर सीट मिल गई, मेरी यहाँ ऊपर वाली है। हम सब अभी सो जाएंगे। गुड नाइट सबको, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अमर को तो बगा से ही आ रहे हैं। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic. तो फाइनली हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, बट बहुत ज्यादा ही थक गए हैं, सब बैग लेके आगे जा रहे हैं। देखिए अब कहाँ पे आए हैं ना वो, एक बार जल्दी जल्दी से पहले होटल रूम पे पहुंच जाती हूँ, और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज बहुत थक गए हैं। मॉर्निंग का टाइम है ना अभी 7:30 बजे है, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, गुड मॉर्निंग के साथ। गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard.